आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी XL6 के बारे में। ये इस कार का बिल्कुल बेस वेरिएंट रहने वाला है, जो कि जेटा वेरिएंट रहने वाला है। बस ये कहने को ये बेस वेरिएंट है। फीचर आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा गजब देखने के लिए मिल जाते हैं, और 12 लाख एक्सलूम प्राइस पर आपको ये कार देखने के लिए मिल जाती है। अगर आपको इस कार का ऑन रोड प्राइस जानना है, आपकी सिटी में क्या है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं अपनी सिटी का नाम, मैं आपको बता दूंगा। तो फिर इतने प्राइस में फीचर आपको क्या क्या मिल जाते हैं, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। इस कार की फ्रंट प्रोफाइल से कुछ इस तरह की मिल जाएगी आपको इस कार की फ्रंट प्रोफाइल। फ्रंट में आपको LED हेडलैम्प्स मिल जाएंगी, और LED DRS और इंडिकेटर्स आएंगे जो कि हैलोजन में रहने वाले हैं इस कार के। और ये रही इस कार की ग्रिल, जो कि क्रोम में मिलने वाली है। बीच में हो गया सुजुकी का लोगो। 360 डिग्री कैमरा इस वाले वेरियंट में आपको नहीं मिलता है। और फोग लैम्प्स हो गए, फोग लैम्प्स आपको इस कार के बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाते हैं। और नीचे ही साइड होगी सिल्वर इसकी प्लेट। फिर फ्रंट से देखने में तो गजब लगती है ये कार। और ये रही इस कार की साइड प्रोफाइल, और 16 इंच के आपको इसमें एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि डायमंड कट रहने वाले हैं। और इनसे ऊपर ही साइड होगी क्लैडिंग, जो कि कार की पूरी बॉडी तक रहने वाली है। और इसके फेंडर पर आपको कुछ इस तरह की लाइन्स मिल जाएंगी। और ये रहा इस कार का ओआरएम, जो कि आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने के लिए मिल जाता है। और इंडिकेटर भी आपको इस कार के ओआरएम पे देखने के लिए मिल जाते हैं। बॉडी कलर में मिल जाएगा आपको इस कार का ओआरएम। विंडो क्रोम गार्निश हो गई, डोर हैंडल क्रोम कलर का, रिक्वेस्ट सेंसर बटन मिल जाएगा, कीलेस एंट्री, ऊपरी साइड होगी रूफ फेस जो कि सिल्वर कलर में रहेगी। फिर ये रहा इस कार का इंटीरियर, पूरा डार्क कलर में रहने वाला है इस कार का इंटीरियर। और क्या क्या फीचर आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाएंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ऑल के कंट्रोल्स हो गए। और ये रही कम्बाइंड लुक ऑफ बैक ऑन साइड प्रोफाइल की। LED टेल लाइट की वजह से तो बैक से देखने में काफ़ी बढ़िया लगती है कार। और ऊपर ही साइड मिल जाएगा आपको साफ पेंट एंटीना, इंडिकेटर स्पॉइलर हो गया, हाइड मोड स्टॉप लैम्प, रियर डिफोवर वॉशर वाईफाई जैसे फीचर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। और CNG का हो गया स्टिकर, नेक्सा का स्टिकर हो गया। जेटा वेरियंट में सिर्फ आपको CNG कार देखने के लिए मिल जाती है, नेक्सा का स्टिकर हो गया। पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाएगी, और उसी पर हो गया सुजुकी का लोगो। LED टेल लाइट रहेगी, इंडिकेटर और बैक लाइट में हो गया बल्ब, XL6 की ब्रेजिंग हो गई, रिफ्लेक्टर्स, 4 पार्किंग सेंसर, सिल्वर स्क्रिप्ट प्लेट हो गई। तो ओवरऑल कुछ इस तरीके है इस कार की बैक प्रोफाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस कार का बूट दिखा देता हूँ, फिर कितना बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है आपको इसमें। इस कार में आपको 209 लीटर का बूट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन CNG टैंक होने के बाद बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाता है। और ये रहा इस कार का CNG टैंक। तो ये तो बात है इस कार के एक्सटीरियर लुक के बारे में। तो जैसे कि आपने देखा, कुछ इतने फीचर देखने के मिल जाते हैं इस कार में एक्सटीरियर से। फीचर में तो आपको कोई भी कमी महसूस नहीं होने वाली। तो चलिए लेकर चलता हूँ इस कार के इंटीरियर में, फिर आपको क्या क्या ऑफर किया जाएगा इस कार के इंटीरियर में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पूरा ब्लैक कलर में मिल जाएगा आपको इस कार का इंटीरियर, जिस वजह से देखने में काफ़ी बढ़िया लगता है। और ये रहा इस कार का ड्राइवर साइड डोर। डोर ओपन हो गया सिल्वर कलर का, चारों पार विंडो कंट्रोल्स, ORVM में कंट्रोल, लॉक अनलॉक के लिए हो गया, वाटर बॉटल के लिए स्पेस मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस हो, और स्पीकर। तो बाहर से देखने कुछ इस तरह का रहेगा इस कार का डैशबोर्ड। इससे जो अपर वेरियंट आता है उसमें आपको लेदर रैप्ड स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है। और ये रही इस कार की ड्राइवर साइड सीट। ड्राइवर सीट हाई एडजस्टमेंट का हो गया फीचर, और रिक्लाइन करने का। और ये रहा इस कार का बैक डोर। डोर ओपन हो गया क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच देखने के लिए मिल जाता है, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस और स्पीकर। और इस कार में आपको कैप्टन सीट देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। रिक्लाइन करने का मिल जाएगा, स्लाइडिंग का मिल जाएगा, और इसमें आपको आर्मरेस्ट भी मिल जाता है। और इस कार के इंटीरियर में आपको क्या क्या फीचर ऑफर किए जाएंगे, आज हम इस वीडियो में सभी देखने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ इस कार के स्टेयरिंग व्हील से। इसमें आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील तो नहीं मिलता है, यहाँ पर आपको स्टेयरिंग मोटर कंट्रोल्स मिल जाएंगे, क्रूज कंट्रोल, सुजुकी हो गया यहाँ पर लोगो, सर्कुलर में यहाँ पर क्रोम हो गया। और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, और ये रहा इस कार का इंस्ट्रूमेंट कलेक्टर, RPM मीटर हो गया यहाँ पर, और ये रहा इस कार का स्पीडोमीटर, और CNG के लिए हो गया यहाँ पर, और फ्यूल के लिए यहाँ पर, और बीच में कुछ इतने साइज की आपको MID मिल जाएगी। और इसमें आपको इसके फ्यूल का और कितनी चल गई है कार और क्या माइलेज दे रही है पता चलता रहेगा। और यहाँ पर हो गया ड्राइवर साइड AC वेंट, यहाँ पर वुडन फिनिश हो गई, सिल्वर फिनिश, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, और CNG में शिफ्ट करने के लिए मिल जाएगा। और ये रहा इस कार का सेंटर कंसोल, 7 इंच का आपको इसमें एडवर्टाइजमेंट सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, एंड्रॉयड एंड एप्पल कार प्ले के साथ। पियानो ब्लैक फिनिश हो गई यहाँ पर, AC वेंट हो गए, और वुडन फिनिश मिल जाएगी आपको यहाँ, जिस वजह से देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। और यहाँ पर हो गया हजार्ड लाइट का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, AC के कंट्रोल मिल जाएंगे आपको यहाँ, 12 वोल्ट का हो गया पावर सॉकेट, USB सॉकेट, थोड़ा सा स्पेस। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, और 5 गियर मैनुअल ट्रांसमीटर में रहेगी कार, कुछ इस तरह का गियर नो मिल जाएगा आपको इसमें। यहाँ पर आपको ग्रे फिनिश मिल जाएगी। और ये रहा इस कार का हैंड ब्रेक,
और ये रहा इसका काम रेस, लेदर फिनिश मिल जाएगी आपको इस पे, कुछ इतना स्पेस मिल जाएगा। और ये रहा इसका ड्राइवर साइड सनवाइजर, बैटरी वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ टिकट होल्डर मिल जाएगा। और ये रहा सन ग्लास होल्डर। और ये रहा इसका IRVM, जिसमें आपको डे नाइट एडजस्टमेंट मिलेगी, ऑटो डिनिंग IRVM नहीं है ये। और ये रहा इसका को ड्राइवर साइड का सनवाइजर, बैटरी वगैरह मिल जाएगा आपको इसमें। और ग्रैब हैंडल, कुछ इस तरह की फ्रंट सीट्स मिल जाएगी आपको इसमें, जिसमें आपको एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट देखने के लिए मिल जाती है, और साइड में लेदर रहता है। और ये रहा इसका को ड्राइवर साइड का डोर, और यहाँ पर आपको वुडन फिनिश मिल जाएगी, सिल्वर फिनिश हो गई। डोर ओपनर क्रोम कलर का, पावर विंडो कंट्रोल, डॉक्यूमेंट रखने के लिए स्पेस, वाटर बॉटल के लिए स्पेस, और स्पीकर, और कुछ इतने साइज का आपको इसमें ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये तो बात है इसका कि फ्रंट सीट पर बैठकर जो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो चलिए लेकर चलता हूँ इसका कि रियर सीट पर, फिर वहाँ पर आपको कितना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इतना स्पेस देखने के लिए मिल जाता है आपको, और लेग रूम और हेड रूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहने वाली। और रियर सीट पर बैठ कर कुछ इस तरह का लगता है इसका का डैशबोर्ड, और कैप्टन सीट रहने वाली है इस कार में, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ब्लोवर मिल जाएगा, फैन की स्पीड को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ग्रैब हैंडल हो गया यहाँ पर। फ्रंट पर आपको कैबिन लैंप मिल जाएगा, और यहाँ पर भी आपको कैबिन लैंप देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हेलोजन में रहने वाला है। और एडजस्टेबल हेड रेस्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। और ये रहा इसका का बैक डोर, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। तो रियर सीट पर आपको काफ़ी बढ़िया लेग रूम देखने के लिए मिल जाता है। और रियर सीट पर बैठकर कुछ इस तरह का लगेगा इसका कैबिन, जैसा कि आप देख सकते हैं कुछ इतने साइज का आपको यहाँ पर ग्लास मिल जाएगा, और कप होल्डर्स मिल जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का था इस कार का इंटीरियर, जो भी फीचर आपको इस कार के इंटीरियर में मिल जाता है वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अगर आपको इस कार का ऑन रोड प्राइस जानना है आपकी सिटी में क्या है, तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, अपनी सिटी का नाम मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।